हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी क्रक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द कोल्ड वॉर एरा, और इस चैप्टर की हम लोग एमसीक्यूज जो है हम लोग उसे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन में टोटल 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था, और इस ये अब ये पार्ट टू है, इसमें हम लोग अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सम ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर नोन एज ईस्टर्न अलायंस। कुछ कंट्रीज के ग्रुप को हम लोग ईस्टर्न अलायंस बोलते थे। सो ऐसा क्यों? बिकॉज दे वेर ईस्ट डायरेक्शन ऑफ यूएसए, बिकॉज वो यूएसए से ईस्ट डायरेक्शन में थे, बिकॉज वो लोग यूएसएसआर से ईस्ट डायरेक्शन में थे। थर्ड ऑप्शन, वो लोग यूरोप के ईस्ट पार्ट में थे। और फोर्थ ऑप्शन, वो लोग एशिया के ईस्ट पार्ट में थे। करेक्ट आंसर इसका है सी। अगर आप देखोगे जो ईस्टर्न अलायंस में जो कंट्री थे वो थे यूएसएसआर प्लस ईस्ट यूरोप की कंट्री, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थी, जो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो थी। तो इसीलिए हम लोग इसे ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं। इसी तरीके से यूएसए प्लस और यूरोप की जो वेस्ट वाली पार्ट की कंट्री है, यूएसए के वेस्ट में जो कंट्रीज है वो मिला के वो बनता है वेस्टर्न अलायंस। तो इसलिए हम लोग उसे वेस्टर्न अलायंस बोलते थे। नेक्स्ट, विच कम्युनिस्ट कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉर्सॉ पैक्ट। ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखो, नॉट पार्ट ऑफ वॉर्सॉ पैक्ट, तो वॉर्सॉ पैक्ट का इसमें से कौन पार्ट नहीं थे? तो फ्रांस पार्ट नहीं था, वेस्ट जर्मनी पार्ट नहीं था, यूगोस्लोवाकिया पार्ट नहीं था। तो ये तीन ऑप्शंस जो है ये तीनों ही करेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करो, मैंने कहा है यहाँ कि विच कम्युनिस्ट कंट्री, कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो वॉर्सॉ पैक्ट के पार्ट नहीं थी। तो जर्मनी और फ्रांस ये तो कम्युनिस्ट कंट्री नहीं थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूगोस्लोवाकिया। नाउ एसेशन एंड रीजन। पहला स्टेटमेंट यहाँ है कि यूएसएसआर इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल किए, तो ये ट्रू है। सेकंड, यूएसएसआर वाज पार्ट ऑफ अलाइड फोर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ये भी सही है। यूएसएसआर अलाइड फोर्सेस का पार्ट था। सो दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं सी डी और ई, ये तीनों को कैंसल आउट कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन ए या बी में से कोई एक होगा। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ भी देखो बोथ ए एंड आर ट्रू है, लेकिन आगे देखो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ये जो रीजन दिया है, क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का? यूएसएसआर एलाइड फोर्सेस का पार्ट था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, इसी कारण से क्या उसने क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल किए? नहीं, ऐसा नहीं था। सो दैट मींस ऑप्शन ए रॉन्ग है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट हुआ, देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि यूएसएसआर का टेंशन चल रहा था यूएसए के साथ में, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। तो आंसर हमारा होगा बी। नाउ यूएसए इमीडिएटली गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल्ड इन क्यूबा। यूएसए को तत्काल रूप में बहुत ही जल्द पता चल गया कि क्यूबा में न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल हुए हैं। ये फॉल्स है, बिकॉज यूएसए को भी लगभग 3 वीक लग गए थे, यूएसए को भी 3 वीक लग गए थे ये पता करने में, तो इमीडिएट पता नहीं चला था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर टू वॉज कन्फाइंड ओनली टू यूरोप। सो ये गलत है, वर्ल्ड वॉर टू यूरोप के बाहर भी इफेक्ट डाल रहा था, लाइक जापान में, लाइक साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां भी इसका इफेक्ट था। इंडिया डिड नॉट हैड एनी इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ये भी रॉन्ग है, इंडिया में बिल्कुल इफेक्ट पड़ा। जापान अपनी आर्मी के साथ में हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्ट तक आ गया था, तो हम भी बिल्कुल इफेक्ट हुए थे। यूएसए एंड यूएसएसआर, तो ये भी रॉन्ग है, वन भी रॉन्ग है। यूएसए एंड यूएसएसआर वेयर इन द सेम ग्रुप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ये सही है, दोनों ही जो है वो अलाइड फोर्सेस का पार्ट थे, तो ये सही है। तो हमारा करेक्ट ढूंढना है तो ऑप्शन डी, बिकॉज ए एंड बी रॉन्ग है, थ्री करेक्ट है। नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ क्यूबा यूएसए, लीडर ऑफ यूएसए ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो यूएसए का लीडर कौन था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1961 में चल रही थी, तो उसके लीडर कौन थे? आंसर इसका है फिडेल कास्ट्रो, तो क्यूबा का लीडर था उस टाइम। निकोला क्रुश्चेव उस समय यूएसएसआर के लीडर थे, और जॉन एफ कैनेडी जो है ये यूएसए के लीडर थे। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
जॉन एफ कैनेडी वॉज रिलक्टेंट टू गिव एग्रेसिव रिस्पॉन्स टू न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। जॉन एफ कैनेडी जो है वो ज्यादा एग्रेसिव अटैक नहीं करना चाहते थे क्यूबा पे, बिकॉज क्यूबा में मिसाइल्स इंस्टॉल हुई थी, न्यूक्लियर मिसाइल यूएसएसआर ने इंस्टॉल किया था इन मिसाइल्स को। तो जॉन एफ कैनेडी रिलक्टेंट थे, नहीं जवाब देना चाहते थे एग्रेसिव होके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जॉन एफ कैनेडी वांटेड टू अवॉइड न्यूक्लियर वॉर, ऐसा उन्होंने क्यों किया, बिकॉज वो न्यूक्लियर वॉर अवॉइड करना चाहते थे, तो ये भी करेक्ट है। सो हमारा होगा आंसर वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, रिचर्ड निक्सन ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा। जब सोवियत यूनियन के जो शिप जो है वो यूएसएसआर में के सॉरी वो क्यूबा के लिए जब वो लोग वेपन्स लेके आ रहे थे, तब यूएसए ने ऑर्डर दिया कि क्यूबा को चारों तरफ से अपने अपने शिप से घेर लो। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी नेवी को कि आप लोग क्यूबा को चारों तरफ से बड़े बड़े पानी के जहाज से, बड़े बड़े वॉरशिप से घेर लो। क्यों? बिकॉज उधर से यूएसएसआर आ रहा था कुछ वेपन्स लेके, कुछ वेपन्स लेके आ रहा था। तो ये ऑर्डर देने का काम यूएसए के कौन से प्रेसिडेंट ने किया? सो यहाँ पे है ऑप्शन है रिचर्ड निक्सन, यहाँ लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। ये ऑर्डर देने का काम किया था जॉन एफ कैनेडी ने, रिचर्ड निक्सन ने नहीं, जॉन एफ कैनेडी ने, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, यहां हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। सो इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, यूएस सपोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट यूएस ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान टू सो सोवियत यूनियन फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स इन एशिया एंड एल्सवेयर एंड टू सो मॉस्को दैट यूनाइटेड स्टेट्स वर सुप्रीम। यूएस के जो सपोर्टर है, जो लोग यूएस के सपोर्ट है, यूएस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि यूएसए ने जापान पे एटॉमिक बॉम्ब इसलिए गिराया बिकॉज यूएसए जो है वो ये यूएसएसआर को दिखाना चाहता था, यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि यूएसए ज्यादा पावरफुल है, यूएसए ज्यादा पावरफुल है, वो यूएसएसआर को मिलिट्री जो अलायंसेस है वो करने से रोकना चाहता था एशिया में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो ये बात तो सही है कि यूएसए चाहता था ये कि वहां पे जो है वो अपने न्यूक्लियर, यूएसए ने न्यूक्लियर बम जो है जापान में यूज किया, ये मॉस्को जो है वो यूएसएसआर में है, सो उसको दिखाने के लिए। लेकिन ये बात कौन बोलते हैं? यूएसए के सपोर्टर नहीं, यूएसए के सपोर्टर नहीं बोलते हैं, यूएसए के जो क्रिटिक्स है, जो यूएसए को पसंद नहीं करते हैं, यूएसए के पॉलिसी को पसंद नहीं करते हैं, जो क्रिटिक्स है वो लोग बोलते हैं, तो सपोर्टर नहीं, क्रिटिक्स। तो ऑप्शन वन जो है ये रॉन्ग है, ऑप्शन स्टेटमेंट वन रॉन्ग है। टू, यूएसएसआर वाज इन एशिया एंड यूरोप बोथ कॉन्टिनेंट, तो यूएसएसआर जो है वो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में, सही बात है। यूएसएसआर को अगर आप मैप में लोकेशन देखोगे तो उसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में आता है, कुछ पार्ट एशिया में आता है। इवन यूएसएसआर के ब्रेकडाउन होने के बाद जो रशिया जो है इसको भी देखोगे तो उसका भी कुछ पार्ट यूरोप में है, कुछ पार्ट एशिया में है। तो टू रॉन्ग है और स्टेटमेंट वन जो है ये करेक्ट है। तो हमें तो रॉन्ग वाला ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, ओनली वन। वेस्टर्न अलायंस जिसे यूएस हेड कर रहा था वो कौन सी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे? तो कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी सोशलिज्म, कम्युनिज्म सोशलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहे थे, डेमोक्रेसी प्रमोट कर रहे थे, लिबरलिज्म प्रमोट कर रहे थे, और दूसरी तरफ कम्युनिज्म सोशलिज्म ये प्रमोट कर रहा था यूएसएसआर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ईस्टर्न अलायंस वाज हेडेड बाय। तो ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, ईस्टर्न अलायंस को हेड कौन कर रहा था? तो इसका आंसर है यूएसएसआर, ईस्टर्न अलायंस को यूएसएसआर जो है वो हेड कर रहे थे। विच कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अलाइड फोर्स, तो कौन सा कंट्री अलाइड फोर्सेस की पार्ट नहीं थी? सो यूएसए था, सोवियत यूनियन भी था, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस ये था, जापान नहीं था, जापान जो है वो एक्सिस फोर्स का पार्ट था। एक्सिस में कौन थे? जापान, फिर इटली, और जापान जो है, इटली जो है, ये सब जो है आपके एक्सिस फोर्सेस का पार्ट थे, और जर्मनी जो है। विच
ऑफ द कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर, तो कौन सी कंट्री एक्सिस पावर के पार्ट नहीं थी? तो अभी मैंने बताया जर्मनी, इटली और जापान, ये एक्सिस पावर थी, यूएसएसआर नहीं था, ये तो अलाइड का पार्ट था। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर टू? सो वर्ल्ड वॉर टू कब से कब तक रहा? सो 1939 टू 1945, ये डेट आपको याद रखना है। आपको वर्ल्ड वॉर वन का भी डेट याद रखना है, ठीक है? तो ऑप्शन ए, वर्ल्ड वॉर वन की जो डेट है वो है, आपको याद रखना है 1914 टू 18, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द रीजन वॉज अफेक्टेड बाई वर्ल्ड वॉर टू? सो वर्ल्ड वॉर टू से कौन से रीजन इफेक्ट हुई थी? सो ऑफकोर्स चाइना हुआ था, बर्मा हुआ था, यूरोप हुआ था, इंडिया हुआ था, तो सभी कंट्री जो है वो इफेक्ट हुई थी। सो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, द वर्ल्ड वॉर टू एंडेड व्हेन यूएसएसआर ब्रोक इन मेनी कंट्री। सो वर्ल्ड वॉर टू कैसे खत्म हुआ? जब यूएसएसआर बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, ये फॉल्स है। यूएसएसआर तो 1991 में टूटा है और वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ है 1945 में। वर्ल्ड वॉर टू का एंड हुआ था कब? जब जापान पे एटम बम गिराया था यूएसए ने, जापान पे एटम बम यूएसए ने जब गिराया था, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, विच कंट्री ड्रॉप्ड एटमिक बॉम्ब ऑन जापान जापानी सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी? सो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराए थे, अगस्त 1945 में गिराया था किसने? सो ऑप्शन ए, यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 54, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू विच कंट्री इमर्ज एज अ सुपर पावर? सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में कौन से कंट्री सुपर पावर हो गए? सो हमें पता है वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, अब वो था यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच, तो यूएसए एंड यूएसएसआर सुपर पावर बन के आ गया है। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द कोड नेम ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा? तो हिरोशिमा पे जो न्यूक्लियर वेपन गिराया था उसका नाम क्या था, उसका कोड नेम क्या था? सो आंसर इज लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। नागासाकी पे जो बम गिराया था उसका कोड नेम क्या था? सो लिटिल बॉय, ये तो हिरोशिमा का था, ये नहीं है, ये नहीं है, दैट इज फैट मैन, ऑप्शन डी फैट मैन। ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए गए हैं, सो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली करते हो सो आपके एक भी क्वेश्चंस जो है यहां से मिस नहीं होगी। बाय द अर्ली 1950s यूएस एंड यूएसएसआर वेर ऑलरेडी मेकिंग थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, ये ट्रू है। आप देखो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराए थे उनकी जो पावर थी, उस बॉम्ब की जो पावर थी 1950s आते आते इन दोनों ने, वो तो एटम बम था जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो गिराया था, वो एटम बम गिराए थे। आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर में इन लोगों ने इवन हाइड्रोजन बम भी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बना लिया था। जो ये अमेरिका या फिर यूएसएसआर जो था, इन्होंने हाइड्रोजन बम भी बना लिया था, और ये जो है ये हिरोशिमा नागासाकी वाले बम से लगभग हजारों गुना ज्यादा पावरफुल था, 1000 times more powerful था। तो ये जो थे ये है थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स थे ये, तो 1950 तक उन्होंने बना लिया था, तो ट्रू। नेक्स्ट, लॉजिक ऑफ डेटरेंस प्रिवेंटेड द वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ये ट्रू है। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या था कि अगर यूएसए एटम बम यूज करेगा यूएसएसआर के ऊपर तो यूएसएसआर भी एटम बम यूज करेगा यूएसए के ऊपर, एज अ रिजल्ट दोनों खत्म हो जाएंगे, सो बेटर है कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना यूज करे, तो इसे है, बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस। सो लॉजिक ऑफ डेटरेंस ने वॉर होने से रोका बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ट्रू है। नेक्स्ट, लॉजिक ऑफ डेटरेंस प्रिवेंटेड द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, सो लॉजिक ऑफ डेटरेंस ने यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो झगड़ा था उसे खत्म कर दिया, ये नहीं, झगड़ा तो लगातार चल रहा था, जो कोल्ड वॉर जो है वो लगातार चल रहा था, बस ये डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा था उनके बीच, इनडायरेक्ट वॉर हो रहे थे। सो ऑप्शन वन करेक्ट है, ऑप्शन ये स्टेटमेंट टू जो है ये रॉन्ग है, सो हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो कौन सा इनकरेक्ट है? टू। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ये, ओनली टू इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द कंट्रीज इन द ब्लॉक ऑफ यूएसए और यूएसएसआर वेर रिक्वायर्ड टू बिहेव एज रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्टर। सो यूएसए और यूएसएसआर ने अपने अपने ब्लॉक्स बना लिए थे, उसमें काफी सारे कंट्रीज थे, छोटी छोटी स्मॉल स्टेट्स कंट्री थे, और उनको बहुत ही रैशनल और रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना था।
क्यों? क्योंकि यूएसए के ग्रुप में अगर मान लो कोई एक छोटा सा कंट्री है और यूएसएसआर के ग्रुप में अगर कोई छोटा सा कंट्री था, ये लोग अगर आपस में लड़ लेते तो इसे सपोर्ट करने के लिए यूएसए आता और इसे सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर आता। दैट मीन्स वो वॉर जो है वो और ज्यादा बड़ा हो सकता था और हो सकता था कि न्यूक्लियर वेपन्स भी वहां पर यूज में आ जाए। सो देयरफॉर इन लोगों को ट्राई करना था कि वॉर जो है अवॉइड करे छोटे छोटे कंट्रीज को भी। तो ऑप्शन देखते हैं, इट में डैमेज ग्लोबल इकोनॉमी, नहीं। इट में फेल यूनाइटेड नेशन, नहीं। इट में ब्रिंग टू सुपर पावर इन कंफ्लिक्ट, हाँ, बिकॉज उनकी सपोर्ट के लिए सुपर पावर आ जाते और जिससे वॉर जो है वो काफी बड़ा हो जाता। सो ऑप्शन सी, स्मॉल स्टेट्स ज्वाइन द सुपर पावर ब्लॉक्स बिकॉज दे गॉट प्रॉमिस ऑफ। सो स्मॉल स्टेट्स जो है इन्होंने सुपर पावर के ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया, इन्हें क्या मिला? सो ऑप्शन ए प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी वेपन, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एड, ऑप्शन डी न्यूक्लियर वेपन। सो इन्हें क्या मिला? ओके, सो यहाँ पे ये ऑप्शन फ्रेम करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, उन्हें प्रोटेक्शन मिला, वेपन मिला, इकोनॉमिक एड मिला, बिकॉज दे डिड नॉट गॉट, दे Did not got। अच्छा यहाँ पे आप बस याद रखो, प्रोटेक्शन, वेपन एंड इकोनॉमिक एड क्यों मिला, न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। न्यूक्लियर वेपन वो लोग थर्ड कंट्री में इंस्टॉल तो कर रहे थे लेकिन वो उन्हें दे नहीं रहे थे, गिफ्ट नहीं कर रहे थे, बस इंस्टॉल कर रहे थे। इंडिया इज पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, नन ऑफ दिस। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखो, एक मैप दिया गया है, उस मैप में अगर आप देखोगे तो जो अमेरिका वाला पार्ट है और यूरोप वाला पार्ट है उसे बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। जो अमेरिका कनाडा वाला पार्ट है और यहाँ पे जो यूरोप वाली जो पार्ट है, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं यहाँ पे जो रशिया, चाइना, थोड़ी सी मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है, यहाँ पे ये जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री, इसे बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड कंट्री। और थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं अफ्रीका को और यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है प्लस एशिया की जो कंट्रीज है इनको बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री। सो इंडिया जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पार्ट है क्योंकि हम लोग एशिया में है, एशिया, अफ्रीका, यहाँ साउथ अमेरिका, ये सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। सो करेक्ट आंसर इज सी। इन विच ईयर नाटो केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो नाटो का फॉर्मेशन हमें पता है 1949 में हुआ था। सो नेटो का फॉर्मेशन के टाइम में कितनी कंट्री थी? सो फॉर्मेशन के टाइम में 12 कंट्री थी, आज के डेट में लगभग 30 कंट्री है। तो जब फॉर्मेशन हुआ उस समय 12 कंट्री थे। व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ नेटो? सो नेटो का रूल क्या है? नेटो का बेसिकली रूल ये है कि अगर किसी भी एक कंट्री पे अटैक होता है तो उस ग्रुप के सभी कंट्री पे अटैक माना जाएगा और वो सभी मिलकर रिस्पॉन्स करेंगी। सो अटैक ऑन एनी ऑफ देम वुड रिगार्डेड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, अटैक ऑन ग्रुप विल हैव नो टैक्स, टैक्स का कोई बात नहीं है। कंट्री विल टुगेदर फॉर्म यूनाइटेड नेशन, नहीं ये भी नहीं है। टू कंपेल यूएसआर टू ब्रिंग डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा ए, अटैक ऑन वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज अटैक ऑन ऑल ऑफ देम, किसी एक पे अगर अटैक होता है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि सभी पे अटैक हुआ है तो सभी मिलकर एक साथ लड़ेंगे। ईस्टर्न अलायंस वॉज नोन बाई विच नेम? सो ईस्टर्न अलायंस की जो ग्रुप थी उसको हम लोग बोलते थे वॉर्सो पैक्ट। 1955 में ये पास हुआ था तो वॉर्सो पैक्ट। नेटो जो थे ये तो वेस्टर्न अलायंस वाले थे, ये वेस्टर्न अलायंस वाले थे। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर विच रीजन वॉज द मेन एरिना ऑफ टेंशन? सो इतना हमें पता है कि कोल्ड वॉर के टाइम में जो है जो मेन एरिना ऑफ टेंशन था, मेन जहां पे यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से जो लड़ रहे थे, ऑल दो ये पूरा वर्ल्ड में हो रहा था लेकिन सबसे ज्यादा सबसे इंटेंस कहाँ पे था? तो आंसर है यूरोप। सबसे ज्यादा ये यूरोप में हो रहा था, ऑल दो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी हो रहे थे लेकिन उतना इंटेंस नहीं था। इन विच ईयर वॉर्सो पैक्ट वॉज क्रिएटेड, ये अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, ये वॉर्सो पैक्ट 1955। वॉर्सो पैक्ट को कौन हेड कर रहे थे? सो वॉर्सो पैक्ट को हेड कर रहा था यूएसएसआर। During the Cold War, Iraq has a close relationship with USSR and China. So, Iraq को अगर आप देखोगे तो Iraq का उस समय relation USSR and China के साथ काफी अच्छा था। Now, superpower use their military power to bring country in their group. Superpower जो भी जो थे, that is superpower मतलब USA और USSR.
तो बहुत बार इन लोगों ने अपने पावर को यूज किया छोटे कंट्री को डरा धमका के अपने ग्रुप में लाने के लिए, तो ये ट्रू है। ठीक है, फिर स्मॉल कंट्री में प्रोवाइड सुपर पावर नेचुरल रिसोर्स एंड कंट्री, तो ऐसा वो लोग क्यों कर रहे थे, बिकॉज जो छोटी कंट्री जो थी, जो स्मॉलेस्ट कंट्रीज जो थी, उनका नेचुरल रिसोर्स और या फिर उनके टेरिटरी जो है वो सुपर पावर यूज करेंगे अपने अपने वॉर के लिए, तो ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे आप देखो ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, वो लोग क्यों अपने ग्रुप में लाना चाहते थे, बिकॉज छोटी कंट्री से वो लोग नेचुरल रिसोर्सेस लेते हैं, उनकी टेरिटरी लेते हैं, यानी ये assertion, ये assertion reason है, so second वाला जो है वो reason है, पहला assertion है, तो reason is correct explanation of A, so option A होगा इसका, क्योंकि दोनों correct है और reason जो है वो explain कर रहा है A को। In which year China and USSR fought a war against each other? So 1969 में USSR और China इनके बीच में भी कुछ problems थे, तो ये लोग आपस में war करेंगे 1969 में। Problem क्या था कि USSR भी communism follow कर रहा था, China भी communism follow कर रहा था, लेकिन China USSR पे ये आरोप लगा रहा था कि USSR जो है वो सही communism follow नहीं कर रहा है, जो true communism जो है वो उससे भटक गया है, वो उसे follow नहीं कर रहा है, इसलिए इनके बीच में वॉर भी हुआ और उनके कुछ टेरिटरी को लेके भी इनकी लड़ाई थी। सो ऑप्शन ए 1969। नेक्स्ट, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री डिड नॉट वांटेड टू ज्वाइन एनी सुपर पावर ग्रुप, बिकॉज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है वो लोग किसी ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाह रहे थे। क्यों? बिकॉज वो अपना खुद का कोई मिलिट्री ग्रुप बनाना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज दे वॉन्टेड मनी फ्रॉम सुपर पावर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, वो लोग पैसा मांग रहे थे ग्रुप में ज्वाइन करने के बदले, ऐसा नहीं है। सी, दे मे लूज देयर फ्रीडम, हाँ बिकॉज, ये सही है। डी, दे वर कंफ्यूज, नहीं, वो लोग अपना फ्रीडम जो है वो लूज कर देते हैं, बिकॉज अगर छोटी कंट्री जो है वो सुपर पावर के ब्लॉक में चल जाती तो वो छोटी कंट्री को टोटली वो सुपर पावर जो है वो कंट्रोल करता उसे, तो दैट मीन्स उनका फ्रीडम जो है वो खतरे में आ जाता, क्योंकि ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, इसलिए ये लोग नहीं चाहती थी कि इनके ऊपर कोई भी अब और रूल करे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नैम हेल्प द कंट्री, हेल्प द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री टू स्टे अवे फ्रॉम सुपर पावर ग्रुप, ये ट्रू है। जो छोटे सुपर छोटे कंट्रीज जो थे, नैम ने उनको एक ऑप्शन दिया कि आप किसी भी ग्रुप सुपर पावर के ग्रुप को ज्वाइन मत करो, आप हमारे साइड आ जाओ, नैम में आ जाओ, और हम लोग किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये ट्रू है। बर्लिन इज इन विच कंट्री, सो बर्लिन फेमस सिटी है, ये है जर्मनी में, यहाँ पे वॉल बनाई गई थी 1961 में और उस वॉल को फिर तोड़ दिया गया था 1989 में। ओके, सो ये जस्ट देखा हम लोगों ने कि इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वाज डन, तो अभी जस्ट मैंने बताया 1961। नेक्स्ट, यूएस एंड यूएसएसआर वेयर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया ड्यूरिंग 1950-1953, तो यूएसए और यूएसएसआर ये लोग डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में थे, कहां? कोरिया में 1950 और 1953 में, सही बात है, कोरिया में 1950 और 1953 में वॉर हो रही थी, उसमें नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। ये नॉर्थ कोरिया वही किम जोंग उन वाला, और साउथ कोरिया जहां सैमसंग जहां की कंपनी है, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो वॉर चल रहा था, इस वॉर को सुलझाने में, इसको मेडिएट करने में, बीच का रास्ता ढूंढने में जवाहरलाल नेहरू ने हेल्प किया था। तो जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल मेडिएटिंग करने में बिटवीन द टू कोरिया, ये भी ट्रू है। सो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, हमें करेक्ट फाइंड करना है, सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड टू आर करेक्ट। हु प्लेड द की मेडिएटिंग रोल इन कॉन्गो क्राइसिस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, तो यूएसए यूएसएसआर जो है वो लोग कॉन्गो में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो वहां पे किसने अपना रोल प्ले किया? सो ऑप्शन ए, यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन जो यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन में एक पोस्ट होता है, एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, तो उन्होंने ही यहाँ पे अपना रोल प्ले किया था कॉन्गो के क्राइसिस में। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू इन्होंने तो कोरिया में किया था, कोरिया में मेडिएट किया था, फिडेल कास्ट्रो ये तो क्यूबा के लीडर थे, हेनरी ट्रूमैन जो है ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और इनका एक पॉलिसी था, हम लोग देखेंगे पॉलिसी का, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म ये डॉक्ट्राइन, ये जो पॉलिसी है ये किसका था?
सो हेनरी ट्रूमैन, फिडेल कास्ट्रो, रिचर्ड निक्सन, गोरबाचोव। इसका आंसर है हेनरी ट्रूमैन, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। ये तो क्यूबा से है, ये भी यूएसए के प्रेसिडेंट है और ये यूएसएसआर के थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, हेनरी ट्रूमैन जो है इनका पॉलिसी था, इनका डॉक्ट्राइन था। क्या डॉक्ट्राइन था? कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को रोकना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एम ऑफ द मार्शल प्लान? वर्ल्ड वॉर टू के बाद में पूरा का पूरा यूरोप जो है वो बर्बाद हो चुका था, पूरा का पूरा यूरोप में तबाही हुई थी। तो उस यूरोप को तबाही से बाहर निकालने के लिए यूएसए आगे आया और यूएसए ने यूरोप की जो कंट्रीज जो थी उनको काफी हेल्प किया, स्पेशली जर्मनी को बहुत ज्यादा हेल्प मिला। इसीलिए हम लोग देखते हैं आज के डेट में जो यूरोप जो है ये इतना ज्यादा समृद्ध है, इतना ज्यादा अच्छे कंडीशन में है। इसमें बहुत बड़ा रोल है इस मार्शल प्लान का। किसने, किसका प्लान था ये? यूएसए का। तो क्या एम था इसका? तो एम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, एम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, एम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी, एम फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप। देखो मार्शल प्लान जो है इसका एम था यूरोप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, ऑप्शन डी, यूरोप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना। तो पूरा यूरोप को अमेरिका जो है वो हेल्प कर रहा था, यूएसए जो है हेल्प कर रहा था। लेकिन एक बात, एक और ख्याल रखने वाला बात है, यूरोप में जो वेस्टर्न कंट्रीज है इन्होंने यूएसए का ये मार्शल प्लान को एक्सेप्ट किया, यूएसए का मार्शल प्लान को एक्सेप्ट किया। लेकिन जो ईस्टर्न कंट्री, जो ईस्टर्न पार्ट में जो यूरोप की कंट्री थे उन लोग, उसमें से भी कई कंट्री ये प्लान को एक्सेप्ट करना चाहती थी मार्शल प्लान को, लेकिन यूएसएसआर ने उनको ऐसा करने नहीं दिया। तो ये प्लान तो पूरे यूरोप का था लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो मिला वो वेस्टर्न यूरोप को मिला। लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर होगा डी, पूरे यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए था ये। कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था मार्शल प्लान? सो मार्शल प्लान को लॉन्च किया गया था 1947 में, 1947 से 53, 5 सालों तक ये चला, जिसमें अमेरिका ने यूरोपियन कंट्री का हेल्प किया, सबसे ज्यादा फायदा मिला वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को। ड्यूरिंग विच पीरियड ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन वॉज डन? बर्लिन शहर जो है वो जर्मनी में है, तो बर्लिन के काफी सारे लोग वो लोग यूएसए की तरफ आना चाहते थे, लेकिन यूएसएसआर इससे खुश नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, बर्लिन को चारों तरफ से घेर लिया, बर्लिन में अपने बहुत सारे वॉल बना दी, आर्मी लगा दी, तो यूएस बर्लिन का ब्लॉकेट किया, क्योंकि यूएस जो है वो बर्लिन को हेल्प करना चाह रहा था उस मार्शल प्लान के थ्रू, लेकिन यूएसएसआर ये अलाउ नहीं कर रहा था। तो इसीलिए यूएसएसआर ने अमेरिका को अलाउ नहीं किया कि वो हेल्प करे बर्लिन का। तो ब्लॉकेट कौन से ईयर में किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है 1948-49, ऑप्शन सी। तो ये वीडियो का एंड है, ये पार्ट टू यहीं पे एंड होता है। पार्ट थ्री में मैं और एमसीक्यू लेके आऊंगा, और भी लगभग कुछ 40 से 50 और एमसीक्यू, 50 एमसीक्यू और मैं लेके आऊंगा इस चैप्टर की। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।